आपका नाम? मोहम्मद अजहरुद्दीन। अजहरुद्दीन साहब, सीए को आप किस तरह से देखते हैं? सीए ये सब देखिए सरकार का जो है ना पब्लिक को फंसा के रखने के लिए चाह रहा है, समझे। पब्लिक युवा को रोजगार चाहिए, रोजगार तो देगा ना। अभी इलेक्शन है, आ इलेक्शन का तो मुद्दा ही सब है। सीए है, आप देखिए एक मुसलमान नमाज पढ़ रहा पिछले जुमा को, देखिए कैसे प्रशासन लाश से मारा, ये सब तो उलझा रहा है ना। सरकार वही है पब्लिक को उलझा रहा, पब्लिक को बुड़बक समझ रहा, उलझा के रख रहा, अपना वोट बैंक बना रहा, हिंदू मुस्लिम कर रहा, लड़ रहा। तो सरकार देखिए वैसा चाहिए जो युवा को, युवा का हमदर्द बने, उसका दर्द समझे। ये तो दर्द समझिए ना, ये दर्द खुद दे रहा, दर्द नहीं समझता, ये दर्द देने वाली सरकार है। मेरा हिसाब से तो नहीं है सही, जितना ये NRC CA ये सब जो वगैरह वगैरह जो भी है अपनी सरकार ला रही है वो अपने फायदे के लिए। और दूसरी नंबर महंगाई पे कोई ध्यान नहीं देता, महंगाई नीचे से ऊपर तक जा रही, और दूसरी नंबर जातिवाद हो रहा, जातिवाद के चक्कर में महंगाई पे कोई ध्यान ही नहीं दे। हम लोग गरीब आदमी, कपड़ा का दुकान है, थोड़ा बहुत इसी से अपना कमाते, बर दिन रात में खाते हैं। रोजगार और इन सब मुद्दों पे सरकार ध्यान नहीं दे रही, और ये सिर्फ बस चुनावी प्रचार के लिए अपना अपना सब लगा हुआ। नहीं, नुकसान मोदी जी को करेंगे, नहीं जब जब चुनाव आते हैं तब कभी सी है, कभी NRC, कभी कुछ मतलब नया नया चीज है वो लेकर पब्लिक फील्ड में छोड़ देते हैं। इससे तो मतलब उनके पास कुछ बचा ही नहीं, हिंदू मुस्लिम सी है यह सब, हिंदुस्तान पाकिस्तान यही सब बचा हुआ है, बाद बाकी कुछ तो है नहीं बचा मोदी जी के पास। मतलब जनता को भ्रमित कर रहे हैं, कुछ मुद्दा नहीं है, बस ऐसे कोई मुद्दा नहीं। ये सीए बार बार लाके चुने के टाइम में सीए हिंदुस्तान पाकिस्तान राम बाबरी मस्जिद का ये कर देते हैं। ये सीए तो गलत चीज है, सीए तो सब लोग को लिए होना चाहिए, एगो खाली मुसलमान के लिए सीए होना चाहिए, सभी जात के लिए ना होना चाहिए। नागरिकता जो है सिर्फ सभी लोगों को मिलनी चाहिए, सभी लोगों को नागरिकता मिलना चाहिए, सभी हिंदू मुसलमान सभी को मिलना चाहिए। तो सरकार के जो ये है तो इसे आपके चुनावी टाइम में ये लागू किया जा रहा है, जिसे आप किस तरह से देखें? तो लागू करे सबके लिए करे, कि खाली एगो मुस्लिम के लिए लागू करेंगे, अल्पसंख्यक के लिए लागू करेंगे, सभी के लिए न करेंगे लागू, जितने हम हिंदुस्तानी है सबके लिए लागू करें। गलत है, गलत है। हाँ, सिर्फ मुसलमान के लिए NRC है, असीए है, और के लिए नहीं है। चुनाव के लिए ये करवा रहे हैं मोदी जी, अमित शाह जी, आम आदमी के हित में नहीं नहीं। क्यों, उसमें क्या खराबी है? इसमें कहा जा रहा है कि दूसरे देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन सब जगह के जो गैर मुस्लिम हैं लोग, उनको जो है यहाँ की हिंदुस्तान की नागरिकता दी जाए सिर्फ मुसलमानों को। वो सब झूठ बोल रहे हैं, या अपने फायदा के लिए कर रहे हैं, जो हमारा वोट बैंक हो, हम फिर से सीट पर तीसरा बार आवे। सब झूठ का सरदार हैं दोनों बैठे हुए, अमित शाह जी और मोदी जी, इसीलिए वो ऐसा कर, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं, वोट लेने को लिए, अपने कुर्सी संभालने को लिए। तो झूठों का दिखा रहा है, लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए। हम लोग मजदूर क्लास का आदमी, हम लोग को रोजगार नहीं, अब बाहर वाले आदमी आएगा तो वो सब रोजगार करेगा तो ये तो अच्छी बात नहीं है। जो बात है, हम लोग को रोजगार बैठे हुए हैं, हम लोग को रोजी रोटी में लाते मारा जा रहा है ना, बाहर वाला आएगा वो पैसा कमा के जाएगा, हम लोग इंडिया वाला भोगते रहेंगे। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है।